नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि जो मॉरेटोरियम पीरियड है उसके दौरान इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ना लगाया जाए। आपके लिए इसलिए खुशखबरी की खबर है क्योंकि फ्राइडे इवनिंग को इंडियन गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट एग्री हो गई है कि मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आइए हम इसी के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। ये केस था मॉरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने का। तो फ्राइडे को इंडियन गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि हम तैयार हैं कि मॉरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो 2 करोड़ से कम के लोन हैं उन सब पर इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा। 2 करोड़ से ऊपर के लोनों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसके अंदर जितने भी सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एनबीएफसी है, वो सब कवर है। मान के चलिए बजाज फाइनेंस से आपने ले रखा है तो भी वो कवर है, DHFL से भी ले रखा है वो कवर है, SBI, HDFC सारे बैंक इस योजना में कवर होंगे। अब इसके जो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने कहे हैं, इसके अंदर सबसे पहला ये है कि ये 2 करोड़ तक की एलिजिबिलिटी है। पीरियड जो है मॉरेटोरियम का वो मार्च से अगस्त तक के लिए लागू होगा। इसके अंदर MSME, एजुकेशन, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्रेडिट कार्ड, ये सारे लोन कवर हो जाएंगे। और ये बेनिफिट उनको भी मिलेगा जो अभी क्लियर, जिन्होंने पहले क्लियर नहीं किया ड्यू, लेकिन अब वो कर रहे हैं। और 6 मंथ के मॉरेटोरियम पीरियड में सबको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसकी ये मेन मेन हेडलाइंस ये थी। अब इसके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं कि इसका बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलेगा। मान के चलिए आपका एक होम लोन चल रहा है 30 लाख का, जिस पर 8% ब्याज है और 20 साल के लिए टेन्योर है। EMI 16,728 रुपये जाती है। तो इसके अंदर जब आप मान के चलेंगे तो आपको जो मंथली ब्याज जो आपको देना पड़ रहा है वो 13,000 रुपये का देना पड़ता है। अब मान के चलिए अगर गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट देती है तो सबसे पहले जो 13,000 का जो ब्याज सबसे पहले महीने में लगा वो उसका 6 महीने का ब्याज बनता है, ब्याज का ब्याज 532 रुपये। 1 महीने का ब्याज बनता है 88 रुपीज़। तो इस तरीके से इस तरह का जो कस्टमर होगा उसको 1,848 रुपये का फायदा होगा। है फायदा ये छोटा सा, लेकिन ये काफी, तब लाखों कस्टमर्स हैं तो ये काफी बड़ा फायदा हो जाता है। इससे टोटल 20,000 करोड़ तक का इम्पैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्रीज को झेलना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी बैंकिंग इंडस्ट्रीज को 20,000 करोड़ तक का पैसा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप सब लोगों को कुछ हद तक तो रिलीफ मिलेगा इससे। मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।